Hey guys, welcome back to my channel. My name is Dia. So this video is going to be a 4 days to go for half yearly, which is also a study with me video basically. So yes, video mein aage badhne se pehle, I would like to wish you all a very very happy Janmashtami. Aaj Janmashtami hai, happy Janmashtami to all of you guys. God bless you all, God bless your families, God bless you guys. Hamesha khush raho, blessed raho, motivated raho, sabse zyada important. Aur bas yaar khush raho yaar, life is all about being happy and enjoying the little moments. So yes, happy Janmashtami to all of you guys. Now chalo video mein aage badhte hain. तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ. यू गाइस थिंक कि मेरे हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं 6 सितंबर से, बिकॉज मैंने बताया था मेरे हाफ ईयरली स्टार्ट हो रहे हैं 6 सितंबर से. बट हमारे जो एग्जाम 6 सितंबर से स्टार्ट होने थे वो अब होंगे 11 सितंबर से बिकॉज ऑफ G20. तो G20 की हमें हॉलीडेज एज यू गाइस नो सबको मिली है, जो समवेयर मुझे एक प्लस पॉइंट भी लग रहा है कि पहले मेरे एग्जाम्स हाफ ईयरली के 6 सितंबर से स्टार्ट होने थे, अब 11 से होंगे, तो एटलीस्ट टाइम काफ़ी ज़्यादा मिला है. सो दैट्स गुड. एंड इन 4-5 दिनों में मेरा काफ़ी सारा फिर से हो जाएगा. सो दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग फॉर मी. मनी एंड क्रेडिट चैप्टर मुझे पर्सनली काफ़ी ईजी लगता है और मुझे काफ़ी पर्सनली यू नो इंटरेस्टिंग लगता है ये चैप्टर. आई रियली इन्जॉय स्टडीइंग दिस चैप्टर, आई रियली इन्जॉय रीडिंग दिस चैप्टर. इट्स अ वेरी नाइस चैप्टर, आई रियली लाइक इट. एंड अभी मैं यही वाला चैप्टर कर रही हूँ. टुडे आई हैव टू डू इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, जो सारे सब्जेक्ट्स एक वीडियो में, मतलब सोशल साइंस में सारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं सारे एक वीडियो में कवर अप नहीं हो पाए हैं. बट इस वीडियो में आई एम जस्ट स्टडीइंग इकोनॉमिक्स. और अभी ना मैं रफ नोट्स बना रही हूँ. नाउ रफ नोट्स का मतलब क्या होता है, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू गाइस. नाउ जो नोट्स होते हैं ना, जो आप बनाते हो कहीं से भी, लाइक आप रेफरेंस लेकर नोट्स बनाते हो, वो नोट्स अलग होते हैं. नोट्स आर अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग. एंड ये जो होते हैं ना, ये रफ नोट्स, उनमें पता क्या होता है, आपका एक रफ नोट्स का अलग से एक रजिस्टर होता है जिसमें आप क्या करते हो, आप इन नोट्स में अपने हर एक सब्जेक्ट के मिक्स नोट्स बनाते हो. काफ़ी लोगों को ना लिखकर बहुत अच्छे से चीज़ें लर्न होती हैं, काफ़ी लोगों को यू नो रीड करके चीज़ें अच्छे से लर्न होती हैं. इट फुल डिपेंड्स ऑन द पर्सन एंड इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि किसको किस तरीके से अच्छे से ज्यादा चीजें लर्न होती हैं. नाउ पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं कोई भी आंसर अगर कर रही हूँ, कोई भी अगर मैं क्वेश्चन यू नो पढ़ रही हूँ, कोई भी मैं आंसर लर्न कर रही हूँ, तो मेरे को एक चीज ना सबसे ज्यादा हेल्प करती है, जो कि है रीडिंग द आंसर और यू कैन से स्लैश रिवाइजिंग द आंसर ओवर एंड ओवर अगेन. मुझे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है. जितनी ज़्यादा ही बार आप आंसर को पढ़ते हो, उतनी ज़्यादा ही बार आपके दिमाग में वो आंसर अच्छे से बैठ जाता है. ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ है, एक बार आप ट्राई करके देखना एंड आई एम श्योर इट विल हेल्प यू गाइज अ लॉट. सो गाइज, आज ना मैं जल्दी उठ गई थी. आई वोक अप अराउंड 7 AM और उठते के साथ ही मैं पढ़ने बैठ गई और मेरे पास काफ़ी टाइम भी था. सुबह सुबह मैंने कुछ भी नहीं खाया था सुबह उठने के बाद में, तो मैं सीधा गई मंदिर. One thing that I forgot to add is that I already took a shower in the morning, so I was all fresh. And उसके बाद में मैं उठ के पढ़ने बैठ गई and मेरा काम इतना सारा था, I was like मुझे ये revise करना है, so I just sat down to study. Guys, मुझे धनिया पी लेना है क्योंकि आई वॉन्ट टू मेक समथिंग. उसके लिए नहीं धनिया, या आई एम गोना बी मेकिंग भेल घर पे जाने के बाद, जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बिल्कुल. तो आई नीड टू गेट धनिया नाउ, आई नीड टू सी इफ द शॉप इज ओपन और इफ इट इज क्लोज्ड. बट आई रीच्ड द मंदिर, मैं मंदिर जाने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ. आफ्टर दैट हम घर जाएंगे और उसके बाद में मैं भेल बनाऊंगी. वैसे ना जब छुट्टियाँ होती है ना, मुझे बड़ा अच्छा सा फील होता है, मतलब यू गेट टाइम टू डू यू नो थिंग्स फॉर योर सेल्फ, सेल्फ केयर एंड एवरीथिंग, काफ़ी कुछ करने का आपको टाइम भी मिल जाता है. सो दैट्स समथिंग दैट आई रियली लाइक, दैट्स वेरी बिग प्लस पॉइंट. तो ऑलवेज बी हैप्पी यार, जब भी छुट्टियाँ होना नई चीज़ें ट्राई किया करो, बिकॉज छुट्टियाँ लाइक आप लोगों को जो वीकेंड पे मिलती हैं तो मिलती हैं, उसके अलावा अगर कभी मिले तो यूटिलाइज देम एंड अच्छे से उनको यूज़ करो यार. डोंट टेक टेंशन, डोंट टेक स्ट्रेस.
गाइज उसके बाद मैं ऊपर गई एंड ऊपर जाने के बाद में आई मेड भेल फॉर माई सेल्फ विच इज़ माई फेवरेट एंड आप लोग मुझे बहुत बोल रही है चना जोरग्रम कब बनाओगे कितना टाइम हो गया वो गाइज एक्चुअली चना जोरग्रम मिल नहीं रहा है मैंने काफ़ी जगहों पर ढूंढा है तो जैसे ही मिलेगा आई विल ब्रिंग इट ऑन माई यूट्यूब चैनल और मैं फिर चना जोरग्रम बनाऊंगी तो अभी फिलहाल के लिए गाइज मैं भेल खा रही हूँ बिकॉज चना जोरग्रम जब मिलेगा तब मैं खाऊंगी पक्का अभी आई एम ईटिंग भेल एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक इट्स लुकिंग सो डिलिशियस सो टेस्टी ओ माई गॉड आई लव इट एंड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी थी आई लव्ड इट एंड या ये मेरा सुबह सुबह का ब्रंच था सो दैट्स ऑल So guys, that is it for this video. I really hope you guys enjoyed watching this one. And if you did, don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. Because subscribing is totally, totally free and I get a lot of motivation as I always say. If you guys are new to my channel, hi guys, I am Dia and I make study related content here on my channel. Such as study vlogs, study routines and a lot more. And I would really appreciate it if you guys subscribe to my channel and join my YouTube family. Also guys, make sure to follow me on my Instagram at diagautam_yt. Also don't forget to join my Telegram channel. मेरे Telegram channel की link मैं description में दे दूंगी. And also guys, जो giveaway मेरे channel पे चल रहा है 30K subscribers का, उसके winners मैं कल announce करने वाली हूँ. आज I'm going to be picking the winners. So फटाफट से comment करो, जो भी उसके rules हैं वो आप follow करो. जो वाली video की link मैं description में डाल दूंगी, वाली video go check that video out. Do like, comment, share, subscribe to my channel. Do like this video, share with all your friends, and also comment down below what videos do you guys want me to make next. I'll see you guys in my next video. Thank you guys so much for watching. I love you guys so much. Bye.